हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका एक बार फिर से संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये वीडियो देखने के बाद में आपको फ्री पीएचडी के लिए ना कोई वीडियो देखने की जरूरत रह जाएगी और ना कहीं आप सर्च करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्री में पीएचडी झपड़ झपड़ डाउनलोड कर लेंगे फटाफट। बस वीडियो देखने के बाद में आप लग जाएं और डाउनलोड कर लें, फ्री में पीएचडी भी कर लें, फॉन्ट्स भी कर लें और कोटेशन भी कर लें, और आपको जो क्लिप आर्ट वगैरह जो भी चाहिए सब फटाफट डाउनलोड कर लें। ऐसी साइट में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, एक वेबसाइट बता रहा हूँ, उस वेबसाइट से लूट लो फटाफट, फ्री में डाउनलोड करो। और कौन सी वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम हम सर्च करेंगे गूगल में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ पूरी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप वेबसाइट के ऊपर पहुँच सकते हैं। पहुँचने के बाद करना क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही है कि डाउनलोड कैसे करना है। साइट तो अब क्लिक करते हैं आप पहुँच जाएंगे, तो कैसे करना है वो आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखें, मैं कैसे करके और कैसे यूज़ में लेना है। जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे वो पीएचडी नहीं होगी, वो पीएचडी नहीं होगी, तो कौन सी होगी और कैसे उसको पीएचडी में आप कन्वर्ट करेंगे, मतलब पीएचडी उसमें से निकालेंगे, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा का पूरा देखें। साथ ही अगर आप नए हैं तो संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे आप पीएचडी सर्च करेंगे गूगल के अंदर, आप लिखें फ्री पीएचडी 360, बस सिंपल सा नाम है, फ्री पीएचडी 360 लिखा, सर्च किया, और यहाँ पर ये जो लिंक आया सबसे पहले ग्रीन वाला, इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आप वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर आप पहुँच जाएंगे, और इस वेबसाइट के ऊपर जाते ही ये ब्लैक के अंदर जो आप देख रहे हैं ये मेन्यू, और इसी के अंदर लास्ट में तो कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पर फॉन्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि इसके अंदर सिर्फ पीएचडी नहीं है, फॉन्ट्स भी है, फोटोशॉप प्रीसेट्स भी है, स्टूडियो बैकग्राउंड्स भी है, और कुछ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी वेडिंग एल्बम डिजाइन, जिसके अंदर अगर आप 1236 को चाहिए, 1230 के चाहिए, और प्लेन बैकग्राउंड चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए जैसे फ्लावर वगैरह, या फिर कोटेशन चाहिए जैसे कि सुंदर सुंदर डिजाइन किए हुए टेक्स्ट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट बनी हुई है। अब जैसे कि आप इस मेन पेज के ऊपर ही देखें तो ये एक पोस्ट है वॉल्यूम 50 वाली, वॉल्यूम 49, वॉल्यूम 48, ये पोस्ट है, आपको इनके ऊपर जाना होगा। अब आप एक वॉल्यूम कोई भी डाउनलोड कर चुके हों तो उसके बाद में नेक्स्ट वॉल्यूम के ऊपर आपको क्लिक करके जाना होगा। तो कैसे करते हैं मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमें 12x36 का करना है, तो क्लिक करेंगे इसके ऊपर, क्लिक करते ही आप 12x36 वाली सभी पोस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब 12x36 के अंदर आप देखेंगे तो वॉल्यूम 50, ये वॉल्यूम 50 है, इसके अंदर 49 है, और इस तरह से खूब सारे वॉल्यूम, और 42 और 2, 3, 5 इस तरह से जाएंगे, नेक्स्ट खूब सारे आते जाएंगे। आप इनमें से जो करना चाहते हैं, जैसे एक बार 42 कर लें, फिर 43 कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 42 कर रहे हैं। इधर जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे वॉल्यूम के अंदर किस तरह के टेम्पलेट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो हम इस पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम 42 के ऊपर। जैसे ही आप किसी भी इस तरह के वॉल्यूम के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर उसके अंदर कितनी फाइल्स है वो दिखाएगा। अब जैसे कि अंदर जो जितनी फाइल्स हैं उनकी फ़ोटो ऊपर आ गई, और वॉल्यूम 42 के अंदर जितनी भी है वो सारी की सारी फ़ोटो दिखा रहे हैं, और उनके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड के लिंक दे रखे हैं। अब 42 के अंदर ही 10 है, 10 पीएचडी फाइल है, एक 42 वॉल्यूम के अंदर 10 है, तो आपको क्या करना होगा, वन बाई वन आप क्लिक कर सकते हैं, और कैसा दिखता है अगर वो आप देखना चाहते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर यह 10 नंबर ऐसा दिख रहा है अंदर से, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर इस तरह का दिख रहा है ऊपर, फिर 7 नंबर इस तरह का दिख रहा है, ये यहाँ पर देख करके और यहाँ से डाउनलोड कर लें। जैसे आपको जो भी पसंद आया हो, मान लीजिए एक नंबर करना है तो एक नंबर कर लें, जैसे ही आप क्लिक करेंगे सीधा ही डाउनलोड, बस और कुछ नहीं करना है। ये 31.2 MB का है दोस्तों। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं आपको बता दूँ कि ये फाइल जो पीएचडी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, ये .rar फाइल है, और .rar फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको WinRAR सॉफ्टवेयर का लेटेस्ट वर्जन चाहिए होगा। तो इसलिए आप गूगल में सर्च करें WinRAR, और ये जो WinRAR आगे स्लैश लगकर इस तरह से rar.com ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएं और WinRAR का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये देखिए डाउनलोड WinRAR, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप नीचे जाएं, जैसे आप नीचे जाएंगे डाउनलोड WinRAR, ये नीचे फ्री वाला। अब जैसे ही शुरू किया तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, ये 3 MB का है, ज़्यादा नहीं है, तो ये भी तुरंत यहाँ पर डाउनलोड हो गया, क्योंकि मैंने ये देखिए यहाँ पर पहले से कर रखा था डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पर 61 नंबर जो था वो वॉल्यूम का डाउनलोड हो गया, सो इन फोल्डर आप कर दें।
और जिस फोल्डर के अंदर आपने डाउनलोड किया है उस फोल्डर के अंदर आपको ये इस तरह की फाइल नज़र आएगी। विनरार इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, जस्ट इस फाइल के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हियर, बस यही करना है। जैसे ही करेंगे फाइल जो आपकी PSD आपके सामने, ये रही PSD फाइल। अब आपको क्या करना है, इस फाइल को फोटोशॉप में आप ओपन कर सकते हैं। फोटोशॉप के किसी भी वर्जन के अंदर आप इसे ओपन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में 7.0 से लेकर अगर लेटेस्ट 2019 तक का कोई भी वर्जन है, CC 2019, उसके अंदर इस PSD फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं अभी आपको 7.0 है, मैं कह रहा हूँ किसी में भी, तो मतलब किसी में भी, मैं अभी एक बार मेरे पास में जो अवेलेबल है उसी में करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लेके आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप में कर रहा हूँ, या ओपन भी कर सकते हैं। अब इस बात से कुछ नहीं है कि कोई भी फोटोशॉप में आप ओपन कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ वर्क नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं। टेक्स्ट का फॉन्ट जो है वो अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा तो ये आप एडिट करेंगे तब चेंज हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये PSD फाइल, इनको आप अलग अलग कर सकते हैं। और इस तरह से ये बादाम, सुंदर सुंदर फ्लावर, गुलाब के फूल, इस तरह से आप अंदर फोटो डाल सकते हैं। इनके अंदर कैसे डालते हैं वो सब मैंने आपको पहले बताया है। तो इस तरह से आप करके सिलेक्ट करके डाल सकते हैं इनके अंदर, और ये जो PSD फाइल्स है इस तरह से डाउनलोड करके यूज में ले सकते हैं। दोस्तों ये वेबसाइट हमारे एक सब्सक्राइबर की है, और उनके जो ये जो सब्सक्राइबर है उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपके लिए उन्होंने फ्री PSD 360 वेबसाइट बनाई, जिससे फ्री के अंदर PSD आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि उनका जो इस वेबसाइट के ऊपर है जो कॉन्टैक्ट अस के अंदर, उनका कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ उनके यूट्यूब और फेसबुक पेज के लिंक भी हैं, तो उनको आप सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ये सब्सक्राइबर हैं, इनकी वेबसाइट है। थैंक यू सो मच कुलदीप आपको। तो दोस्तों मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप शुभ जर्नी पर भी कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, यात्रा बहुत लंबी है, कंप्लीट राजस्थान की चल रही है। आइए शुभ जर्नी पर भी और संजय कुमार स्वामी के वीडियो ट्यूटोरियल भी देखते रहें। थैंक यू।